हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बीएड छात्रों के लिए बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे बीएड वर्सेस बीटीसी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है कि क्या बीएड जो है वो पीआरटी में सम्मिलित हो कि नहीं होगा। इस पर बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आई है। फिलहाल 4 सितंबर को सुनवाई आप लोग देखने को मिली थी, लेकिन कुछ कारण के चलते सुनवाई बिल्कुल भी नहीं हो पाई थी। अब देखो कोर्ट से क्या अपडेट आई, अध्यादेश पर क्या अपडेट आई, बीएड प्राथमिक सम्मिलित हो कि नहीं, पीआरटी में सम्मिलित हो कि नहीं, इस पर बड़ी खुशखबरी आई है। तो पूरा वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। देखो, अब ये कहा गया कि बीएड पीआरटी में सम्मिलित होने के बहुत ज़्यादा चांस बन गए, और साथ ही साथ ये कहा गया कि 2-3 दिन बाद आप लोगों की फिर से सुनवाई देखने को मिलने वाली है। फिलहाल कोर्ट से बड़ी अपडेट आ रही है कि अगर अध्यादेश दोस्तों आ जाता है, ठीक है, अगर अध्यादेश आ जाता है तो बीएड जो है प्राथमिक में सम्मिलित देखने को मिल पाएगा। अगर अध्यादेश आ जाता है तो जो बीएड है वो प्राथमिक में सम्मिलित देखने को मिल सकता है। फिलहाल धरना प्रदर्शन से काफ़ी दोस्तों यहाँ पे लगातार मांग की गई कि अध्यादेश को लाया जाए। फिलहाल आप लोगों की 2-3 देर बाद सुनवाई देखने को मिलने वाली है, बीएड पीआरटी में सम्मिलित हो कि नहीं होगा। फिलहाल जो भी अपडेट होगा इसी चैनल पर अपडेट किया जाएगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।